ट्विटर या इंस्टाग्राम ये सारी चीजें आप देखते हो सर? मैं आपने जरूर देखता हूँ, और एक प्रकार से उससे मुझे बाहर की बहुत प्रकार की जानकारियां मिलती हैं। जी और मैं आपका भी ट्विटर देखता हूँ और ट्विंकल खन्ना जी का भी ट्विटर देखता हूँ, और कभी कभी तो मुझे लगता है कि वो जो मेरे पर गुस्सा निकालती है ट्विटर पे, तो उसके कारण आपके पारिवारिक जीवन में बड़ी शांति रहती होगी, उनका पूरा गुस्सा मेरे मेरे पर निकल जाता होगा। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमारे वडाप्रधान નરેન્દ્ર મોદીનો એક ઇન્ટરવ્યુ કર્યો છે. સોશિયલ મીડિયા પર તેની ઘણી ચર્ચા થઈ રહી છે. ચૂંટણીની આ મોસમમાં 21 એપ્રિલે અક્ષય કુમારે એક ટ્વીટ કર્યું હતું. તેમાં તેમણે લખ્યું હતું કે તેઓ એવું કંઈક કરવા જઈ રહ્યા છે જે એમણે પહેલા ક્યારે નથી કર્યું. ત્યારે અટકળો લાગવા માંડી કે અક્ષય કુમાર ચૂંટણી લડવાના છે. જો કે ત્યારબાદ 22 એપ્રિલે અક્ષય કુમારે ફરી એક ટ્વીટ કર્યું અને ચોખવટ કરી કે તેઓ ચૂંટણી નથી લડવાના. અને 23 એપ્રિલ જ્યારે કે ગુજરાતમાં મતદાન થયું ત્યારે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનો એક ઇન્ટરવ્યુ, તેના ટીઝર સોશિયલ મીડિયા પર ફરવા લાગ્યા અને તે ઇન્ટરવ્યુ કર્યો હતો અક્ષય કુમારે. આપને કભી સોચા થા કે આપ પ્રધાનમંત્રી બનેંગે? કભી આપને સોચા થા? और सोचा भी था तो कौन से साल में, कौन सी उम्र में आपने सोचा था कि मैं इस देश को चलाना चाहूंगा? कभी ऐसा विचार नहीं आया। अच्छा। और सामान्य लोगों के मन में बात गले नहीं उतरती है। शायद जो बन जाते हो सबके जीवन में ऐसा होगा। मैं नहीं मानता हूं कि यानी कोई एकदम फैमिली ही उसी प्रकार से बैकग्राउंड वाली हो और किसी के मन में इच्छा जगती हो तो बहुत स्वाभाविक है। वरना मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है उसमें तो अगर मुझे कहीं अच्छी सी नौकरी की भी मिल गई होती तो शायद मेरी माँ अड़ोस पड़ोस के लोगों को गुड़ खिला देती कि चलो भाई बेटे को वहाँ नौकरी मिल गई। क्योंकि उससे ज़्यादा हमने तो कुछ सोचा नहीं था, गांव के बाहर कुछ देखा नहीं था। ये तो ऐसे ही यात्रा चल पड़ी और देश मुझे लेता चला गया, तो अपने आप ही बनते चले गए, सब कुछ जिम्मेवारियाँ आती गई। बहुत ही मतलब नेचुरली रहा है इसमें। वैसे मुझे मेरी दृष्टि से, मेरे व्यक्तिगत जीवन की दृष्टि से अननेचुरल लग रहा है। ओके। क्योंकि मेरा बैकग्राउंड, मेरी दुनिया, आज की जो राजनीति का तौर तरीका, उसमें ये सब बैठता ही नहीं है जी। मुझे भी आश्चर्य हो रहा है कि देश मुझे इतना प्यार कैसे करता है और इतना सारा क्यों मुझे देता रहता है। અક્ષય કુમાર સાથે ઇન્ટરવ્યુમાં મોદીએ ઘણી એવી વાતો જણાવી જે એમના જીવન સાથે સંકળાયેલી છે. જ્યાં તક મેં પઢા હૈ આપ સંન્યાસી બનના ચાહતે થે યા આપ સોલ્જર યા આર્મી મેં જાના ચાહતે થે એસા કુછ ભી પઢા હૈ? સહી હૈ, યે આપકી બાત સહી હૈ। બચપન મેં મેરા એક સ્વભાવ થા કિતાબે પઢના, લાઇબ્રેરી ચલા જાતા થા, તો બડે બડે લોગો કે જીવન પઢના યે શોખ રહેતા થા। कभी फौज वाले यूनिफॉर्म में निकलते थे तो मुझे बड़ा देखता था, कभी बच्चे की तरह खड़े होकर के सैल्यूट कर देता था, मन करता था खुद में भी। इतने में 1962 का वॉर हो गया तो हमारे यहाँ से दूर एक मेहसाना स्टेशन है मेरे गांव से, तो वहाँ स्टेशन पे सब लोग जो फौज के लोग ट्रेनों में जाते थे उनका बड़ा सत्कार करते थे, चाय वगैरह, तो मैं भी चला जाता था। तो जाकर के मैं भी वो, तो मुझे बड़ा मजा आता था। तो मन पे हो गया कि हाँ ये देश के लिए जीने मरने वाला रास्ता है, तो कभी उस दिशा में सोचता था। જેમ કે તેમને ગુસ્સો આવે છે કે નહીં, રાજકારણમાં તેમના ઘણા ધૂર વિરોધીઓ છે, પણ મોદીના તેમની સાથે સંબંધો કેવા છે? તો અક્ષય કુમારના પત્ની અને લેખિકા ટ્વિંકલ ખન્નાની પણ આ ઇન્ટરવ્યુમાં ચર્ચા થઈ। ઓર મતલબ ક્યુકી દેખી સબકો ગુસ્સા આતા હૈ, आई एम श्योर आपको भी गुस्सा आता, अगर आता भी है तो उस गुस्से में आप क्या करते हो? वो गुस्सा निकालने के लिए किस पे निकालते हो और कैसे निकालते हो? मेरे लिए ये कभी कोई कहेगा कि मुझे गुस्सा नहीं आता है तो बहुत लोग को सरप्राइज होता है। आपको गुस्सा नहीं आता? मैं बताता हूँ। अच्छा। सरप्राइज होता है, इसलिए ये कहना कि राजी, नाराजी, गुस्सा मनुष्य के स्वभाव के हिस्से हैं। अच्छा। जिंदगी उसके बिना हो नहीं, हर प्रकार की चीजें हर के अंदर होती है, लेकिन जो मेरा 18-22 साल की जिंदगी का जो एक बड़ा तबका था, वहां जो मेरी ट्रेनिंग हुई उसमें ऐसी बातें थी
जिन लोगों से पता था कि आप आपके जीवन में स्वभाव में ईश्वर ने सब दिया है, अब आपको तय करना है कि जो अच्छी चीज है उसको बल देते हुए कैसे बढ़ना। तो फिर ये चीजें हैं जो नेगेटिविटी लाती है वो रुकती है। मैं कह सकता हूं कि मैं इतने लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहा, इतने समय तक प्रधानमंत्री रहा, लेकिन चपरासी से लेकर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी तक मुझे कभी गुस्सा व्यक्त करने का अवसर नहीं आया। आपको हैरानी होगी, और वैसे मैं ये बोलूंगा तो चुनाव में मेरा नुकसान भी हो सकता है लेकिन ये ममता दीदी है। साल में आज भी मुझे एक दो कुर्ते वो खुद सिलेक्ट करने जाती है और मेरे लिए एक दो कुर्ते भेजती है। अच्छा। अनेक गुजराती वडाप्रधान ने दिल्ली ना भर उनाड़ा मा केरी नो रस याद आवे छे के नहीं? मेरा ड्राइवर है, उसकी बेटी, उसने एक, मैं उसको पूछना उसको पूछ रहा था कि बेटे तो अगर नरेंद्र मोदी जी को, हमारे प्रधानमंत्री को कोई क्वेश्चन पूछना चाहेगी तो क्या पूछना चाहेगी? तो कमाल का सवाल उसने पूछा कि क्या हमारे प्रधानमंत्री आम खाते हैं? ये भी उसका क्वेश्चन है कि आम खाते हैं, और अगर खाते हैं तो क्या काट के खाते हैं या ऐसे गुठली के साथ खाते हैं? मतलब होता है ना वॉश बेसिन के ऊपर खड़े होके गुठली के साथ आम खाना, उसका मजा ही कुछ और होता है। तो मैं जानना चाहूंगा कि आप आम खाते हो? एक तो मैं आम खाता भी हूँ और आम खाना मुझे बहुत पसंद भी है। अच्छा। और गुजरात में आम रस की परंपरा भी है, वो तो बहुत। लेकिन जब मैं छोटा था तो वैसे तो कोई आम वाम खरीदना वरीदना तो हमारे लिए कोई उस प्रकार की कोई लग्जरी हमारे फैमिली थी नहीं, लेकिन कभी खेतों में चले जाते थे तो हमारा देश का जो किसान है बड़ा उदार रहता है। कोई खेत में आकर के खाता है तो कभी रोकता नहीं है, चोरी करता है तो रोकता है। तो आम के पेड़ पर जो पके हुए आम थे वो खाना हमें जरा ज्यादा पसंद था, यानी उतारने के बाद पकाया हुआ नहीं, नेचुरल कोर्स में पका हुआ। और फिर पूरा का पूरा, अच्छा तब तो ये हाइजेनिक की कोई समझ भी नहीं थी कि धोना चाहिए टिकना करना, कुछ नहीं समझते थे, ऐसा ही अपना कर लेते थे। लेकिन बाद में जैसे जैसे बड़े तो कई वैरायटियों के विषय में जानने लगे, आम रस खाने की आदत लगी। लेकिन आम दोनों मुझे कंट्रोल करना पड़ता है। अच्छा, अभी फिलहाल कंट्रोल, अब फिलहाल में मुझे सोचना पड़ता है कि इतना खाऊं या न खाऊं।